उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम से पहले लखीमपुर खीरी में बवाल मच गया है, जहां केंद्रीय मंत्री अजय सिंह सैनी के सुपुत्र ने काले झंडे दिखा रहे किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी और दर्जन भर किसानों को जख्मी कर दिया। साथ ही दो किसान सहित बाकी घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि मंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाने के लिए किसान रोड के किनारे खड़े थे। आरोप है कि मंत्री के बेटे ने रोड के किनारे खड़े किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें दो किसान शहीद हो गए हैं और 8 किसान जख्मी हो गए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि किसान बॉर्डर पर बैठकर दिल्ली का दम घोट रहे हैं। रात दिन न्यूज चैनल किसानों के आंदोलन के विरुद्ध नए षड्यंत्र रच रहे हैं। सरकारी प्रवक्ता रोज उन्हें टीवी स्टूडियो में बैठा कर खालिस्तानी, आतंकवादी, मवाली, गुंडे बोल रहे हैं। अगर किसानों को सरकार की किसी नीति का विरोध करना हो तो किसान क्या करें? ना तो वो धरना दे सकते हैं, ना वो प्रदर्शन करें, ना वो भारत बंद करें, ना वो मंत्रियों को काले झंडे दिखाएं। फिर आखिर करें तो क्या करें? सरकार किसानों की सुन नहीं रही है तो कम से कम किसानों को यही बता दे कि सरकार का विरोध किसान किस तरह से करे। हमारा लोकतंत्र उस हालत में तो पहुंच ही चुका है। बंदे मर गए हो दो को, दो को अरे हाथ यार ओए गड्डी लेके गड्डी गड्डी ले गड्डी गड्डी ले ओए अरे बाहर ना होटल वा इधर चलो यार हॉस्पिटल आ गया गड्डी दे और गड्डी दे अस्पताल अगले।